हाय कृष्ण, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक का ये सबसे खतरनाक लेटर है। हालांकि कहें तो इतना सख्त लेटर कभी नहीं बनाया गया था। तो बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ पंचायत सहायक की, जहां भी सैलरी रुकी है। साथ में जो शौचालय के केयरटेकर हैं, SSG की महिलाएं, उनके बारे में बात है यहाँ पे। इन दोनों के लिए इतना सख्त लेटर इसके पहले कभी नहीं आया। तो आज की वीडियो में इसी लेटर को दिखाएंगे, बात करेंगे क्या इसका ठोस है, और उसके साथ बात करेंगे किस तरह से CSC पे आपको काम करने के लिए क्या चीजें सामने आई हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ढेर सारे पंचायत सहायक नियुक्त हैं, और कई लोगों के मानदेय में काफी डिफरेंस आ रहा है, और लगातार उस पर प्रेशर करने के बाद भी मानदेय नहीं होते हैं। हालांकि जो भी लेटर आते हैं, सबका ये कहना होता है कि लेटर जो है भले जारी होते हैं, लेकिन उनका अनुपालन जल्दी नहीं होता। लेकिन इस बार जो लेटर आया है, इस लेटर से सबका जो है अनुपालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इस बार इस लेटर में आप देख सकते हैं साफ साफ कि यहाँ पे जो भी ADO पंचायत, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी, इन तीनों की सैलरी रोकने की बात कही गई है। अगर समस्त पंचायत सहायक जितने सारे हमारे हैं, उनके मानदेय SSG के मानदेय अगर नहीं दिए जाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उनकी सैलरी रोकने के लिए यहाँ पे सख्त सख्त अपर सचिव मुख्य जो है मुख्य अपर सचिव का वहां पे, उसके साथ साथ जो है DPO के निर्देश हैं, मीटिंग में सारी जो भी DM के भी निर्देश हैं। तो इस तरह से इतना ज्यादा फोर्समेंट है कि ये मानदेय आपके देने हैं, और कब तक देने हैं बात करें तो यहाँ पे मार्च तक, कोई दिसंबर नहीं, कोई नवंबर नहीं, कोई अक्टूबर नहीं, यहाँ पे टोटल मार्च तक देना है। किसी अनुबंध की कोई बात नहीं कही गई है, किसी अटेंडेंस की बात नहीं कही है, किसी चीज की बात यहाँ पे नहीं। साफ साफ ये कहा गया कि जितने पंचायत सहायक आपके हैं, उनको आप मार्च तक का मानदेय कंप्लीट करेंगे, और बहुत सारे लोग को कंप्लीट किया भी जा गया है। हालांकि इसकी लास्ट डेट भी दी गई थी 31 मार्च तक, लेकिन साइट में थोड़ी सी स्लो के नाते हो सकता है ये चीजें ना हो, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये सारे मानदेय कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार का लेटर कुछ खतरनाक है। तो अगली बात करें यहाँ पे, तो जितनी सारी हमारे CSC VLEs जिनको मिल गई है IDs, लगभग सबको मिल गई है, तो उस ID को एक्टिव करने की बात है। सबसे पहला काम है कि जो SBM की ट्रेनिंग जिन्होंने पंचायत सहायकों ने ली थी, तो सब क्या करें, अपने सर्टिफिकेट को मस्ट डाउनलोड कर लें, उसमें देरी ना करें, वो डाउनलोड कर लें। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पैनिंग राइजिंग में आपका सर्टिफिकेट काफी इंपॉर्टेंट है। स्पैनिंग राइजिंग में आगे वीडियो में आपको समझाऊंगा। दूसरी बात यहाँ पे कर लें कि सबसे पहली चीज आपका है कि जो CSC VLE में आपका जो भी अकाउंट बैलेट रिचार्ज होना है, हालांकि वो सचिव या प्रधान जिसका मोबाइल एक्टिव होगा, मोस्ट आप उसी के मोबाइल से जो है UPI के माध्यम से आपका जो CSC का वैलेट है वो उसमें 1,000 रुपए रिचार्ज करने हैं। लेकिन थोड़ी सी कुछ जिलों में समस्या आ रही है, जैसे जहां पे यूनियन बैंक या इस तरह के जो है बैंकें ली गई हैं, वहां पे क्या है कि वहां पे जब गवर्नमेंट बॉडी सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो UPI और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा होती है वो वहां पे बंद हो जाती है जैसे ही गवर्नमेंट बॉडी टिक करते हैं। प्राइवेट बैंकों में इस तरह से नहीं है, तो कुछ जिलों में इस तरह समस्या आई है, तो उसको रिजॉल्व के लिए बात चल रही है, जल्दी वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो फिर वो आप जो भी OSR के खाते में पहले ग्रामीण से पैसे 1,000 भेजे जाएंगे, उसके बाद फिर उस 1,000 को अपने वैलेट में मोबाइल UPI के माध्यम से रिचार्ज करेंगे। एकदम सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको छोटा सा स्क्रीन शॉट दिखाता हूं, यहाँ पे इस तरह से वैलेट रहेगा, आप उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ खास अपडेट है कि अभी जो है, क्योंकि मानदेय लगातार देने के लिए प्रेशर है, मानदेय दिया भी जाएगा, और एक रिपोर्टिंग ये भी हो रही है कि कितने पंचायत सहायक जो है वो CSC VLE से अपने कितने लाभार्थियों को सेवा प्रदान किए, इसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो आप सब अगर वैलेट रिचार्ज हो गया जिसका, तो अभी तो हालांकि परसेंट काफी कम है, 7-8% लोग ही जो है लगभग इस चीज को एक्टिव कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैसेज थ्रो भी कर दे रहा हूँ कि आप सब समझ जाए इस चीज को एक्टिव करने का प्रयास, क्योंकि सैलरी ले रहे हैं तो काम करना भी आपको पड़ेगा, और वैलेट को रिचार्ज करें, और कुछ लाभार्थियों के काम भी करें, उनसे शुल्क भी लें, बाद में उस शुल्क को अपने व्यवसाय खाते में जमा करवाएं। तो आज की वीडियो में छोटी सी अपडेट थी आपके लिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद भारत दोस्तों।